जय हिंद दोस्तों, मैं तरुण कदम स्वागत करता हूं आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बताया था कि इसमें क्या एज लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन एग्जाम के बारे में हमने पूरा विस्तार से डिस्कस करा था। लेकिन अब मैं बताऊंगा हम हमारे बच्चों को नवोदय विद्यालय में क्यों भेजे और इसमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें जवाहर नवोदय, नवोदय का मतलब होता है नव धन उदय, मतलब नए जीवन का उदय। तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है फ्री हॉस्टल फैसिलिटी। अगर आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले लेता है तो उनको हॉस्टल फैसिलिटी फ्री मिलती है। इसके बाद में फ्री एजुकेशन, एजुकेशन के भी आपकी कोई फीस नहीं लगती, ये भी क्या रहता है, फ्री रहता है। आगे हम देखें तो इसमें फूड फैसिलिटी, ये भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। और लास्ट में अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स के फील्ड में इंटरेस्टेड है, लाइक कोई भी हो वो, तो स्पोर्ट फैसिलिटी भी फ्री मिलती है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो बेस्ट टीचर, इंडिया के जो बेस्ट टीचर होते हैं, जो बढ़िया एजुकेशन देते हैं, वो नवोदय विद्यालय में सारे ऐसे क्वालिफाइड टीचर आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, स्किल इंप्रूवमेंट, नवोदय विद्यालय में सारी बुक्स का आपको पढ़ाया जाता है, वो तो हर स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें बच्चों के आगे फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, उनको आगे की होने वाली जो कठिनाई रहती है उस बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन की फीलिंग आपको दिखाई जाती है कि बच्चा आने वाले समय में कैसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें कैसे अपना बेस्ट दे सकता है। तो ये सारे नवोदय विद्यालय के लक्ष्य रहते हैं, जिसमें बच्चों को केवल सरकारी नौकरी पाना ही उनका उद्देश्य नहीं होता है। केवल बच्चे का जो जीवन है वो सरकारी नौकरी पा लिया वही उसका उद्देश्य नहीं होता है, अपने जीवन में वो कैसे आगे बढ़े, देश के लिए क्या क्या विकास करे, उसमें कैसे अपना योगदान दे, यही नवोदय विद्यालय का मेन लक्ष्य होता है। आगे देखते हैं, मोटिवेशन, नवोदय विद्यालय में तो यही होता है जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों की समस्या के सामना, बच्चों को वो ऐसा ट्रेन करता है कि बच्चों को आने वाले समय में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना वो कर सके, आंधी तूफान में डट के खड़ा रहे। तो ये सारी चीजें नवोदय विद्यालय में बच्चों को सिखाई जाती है। आगे देखते हैं, ऑबिडेंट, जवान नवोदय विद्यालय में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया और सिखाया जाता है कि वो किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट दे सके, कोई भी कॉम्पिटिशन में वो अच्छा परफॉर्म कर सके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। आगे देखते हैं, फूड फैसिलिटी, ये बताया था मैंने, फूड फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, है ना। तो फूड फैसिलिटी इसमें आपको मिलेगी और टाइम टू टाइम आपको सारी जो फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है। आगे देखते हैं, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा ही है JNV जवाहर नेहरू विद्यालय है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज के अलग हॉस्टल लेते हैं और बॉयज के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं। और आगे हम देखें तो मैटरन, जो गर्ल्स के लिए अलग से जो है वो मैटरन इसमें यहाँ पर आपको मिल जाती है। और आगे देखते हैं, देखिए फिर अगला जो पॉइंट है हमारा लाइब्रेरी फैसिलिटी, तो इसमें आपको पर्टिकुलर लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ना चाहे 7 डेज लाइब्रेरी फैसिलिटी इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें से फोकस के साथ में बच्चा अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। और आगे चलते हैं, प्ले ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड हैज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, वन सेक्शन इज फॉर द प्लेइंग फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स, मतलब जो बड़े स्पोर्ट्स होते हैं लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी वगैरह, इस टाइप के स्पोर्ट्स के लिए अलग ग्राउंड होता है। एंड द सेकेंड अदर टू आर द बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल, बास्केटबॉल का अलग होता है, हैंडबॉल का अलग होता है, मतलब दो अलग अलग ग्राउंड रहते हैं। ऑल इन ऑल एक ही बात है, इसमें आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती है चाहे बच्चा किसी भी फील्ड में वो हो। आगे देखते हैं, देखे इसमें क्या रहता है, माइग्रेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है। माइग्रेशन मतलब ये होता है कि अगर आपका बच्चा कोई से भी विद्यालय में पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लिया कि वो MP के किसी भी जवाहर नेहरू विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है और उसको 9th क्लास में एक ऐसी फैसिलिटी दी जाती है कि वो एक साल के लिए अदर स्टेट में जाकर, मतलब वो भी JNV रहेगा, नवोदय विद्यालय रहेगा, वहां पर जाके अपनी पढ़ाई कर सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा वो अदर कल्चर का जो नॉलेज है उसको मिलेगा। अगर कितने ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी स्किल्स रहती है कि कुछ नई चीजों को जानने के बारे में रुचि रहती है, तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करता है फ्री, उनकी तरफ से फैसिलिटी रहती है कि नए कल्चर में बच्चा जाए, वहां की नई नई चीजों के बारे में सीखे, तो ये फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखते हैं, ये हो गया। फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, लाइक जैसे किसी को कला है, आर्ट्स है, डांसिंग है, इस टाइप की जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आगे देखते हैं, बेस्ट इन एजुकेशन, जैसा मैंने बताया यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर होते हैं जो आपके बच्चों को एक्सपर्ट लेवल की तैयारी कराते हैं। और आगे देखते हैं,
इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। स्टडी मटेरियल के अंदर क्या क्या आएगा, बोर्डिंग फैसिलिटी आपको यहीं से मिलेगी, लॉजिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, स्कूल यूनिफॉर्म मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक मिल जाएगा और स्टेशनरी का जितना भी आइटम है सभी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं डेली यूज आइटम। डेली का जो यूज आइटम होता है आपका साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट और शूज वगैरह, सारी फैसिलिटी आपको नवोदय विद्यालय से प्रोवाइड की जाती है। और आगे देखते हैं सेफ्टी का बहुत ही स्पेशल ध्यान में रखा जाता है, आपके सारे रूल्स बना दिए जाते हैं, कोई भी आपका जीरो टॉलरेंस, आपका कोई भी टॉलरेंस यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है और बहुत ही अच्छा सेफ्टी का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। आगे देखते हैं हेल्थ एंड केयर, अगर किसी बच्चों को कोई भी हेल्थ इश्यू आ जाए तो वहाँ पर जो डॉक्टर है वो अवेलेबल रहते हैं, आपकी पूरी सेफ्टी का जो है ध्यान रखा जाएगा, है ना। तो यही पूरा ये पॉइंट है ये, और जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप और डिटेल में पढ़ लेना। और ये आप देख रहे हैं द यूथ एकेडमी में इसके जो नए बैच वो चालू हो गए हैं, पढ़ाई से बहुत अच्छे से चल रही है। इसका अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म भर दीजिए, 18 जुलाई से इसके जो फॉर्म की डेट है वो चालू हो गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपना बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छी एजुकेशन ले और उसके अंदर कॉम्पिटिशन का एक फील आए, तो इस विद्यालय में उसको जरूर भेजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय हर माँ बाप की पसंद होती है, लेकिन हर माँ बाप का बच्चा उसमें पढ़ ले वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं, और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो ये जो बायो में मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में वो PDF डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।